अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, तो ऐसे भी कई लोग हैं जो पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। आज 5 जून है और विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही दिन में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने ही बंजर खेत में राज्य वृक्ष खेजड़ी के 1200 पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। हमारे साथ हैं साइला उपकंड क्षेत्र के एक छोटे से ग्राम हरमू के मुरारदान छारण, हम उनसे बात करेंगे। जी मुरारदान जी, बताएं जो आपने ये खेजड़ी के वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है, ये आपको कहाँ से ये आपके अंदर जागृति आई और कितने पेड़ लगाए पूरा बताएं। आप सबको नमस्कार। पर्यावरण संरक्षण के लिए घर में ये हमारे पास मेरे पिताजी कहा करते थे कि वृक्ष के लिए मूल ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा रुद्र महेश्वर पत्रे पत्रे देवा नाम वृक्ष राजे नमो स्तुते, अर्थात देवता का वास गिना गया है वृक्ष में, तो वृक्ष लगाना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, ये बात मेरे पिताजी कहा करते थे। खेजड़ी के वृक्ष में ही ऐसी क्या खासियत है जो आपने खेजड़ी के वृक्ष को ही सुना? खेजड़ी के वृक्ष को एक तो साहब उसको मारवाड़ की तुलसी माना गया है, दूसरी बात इसके नीचे फसल बढ़िया होती है, वो किसान है तो फसल भी बोते हैं तो उसमें फसल का उत्पादन अच्छा होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, दूसरे वृक्षों की अपेक्षा इसमें अधिक उत्पादन देता है और ये खेजड़ी का वृक्ष फसल में, दूसरी बात इससे जैविक खाद मिल जाती है जो वहनीय विधि है, खेत में ही में खाद मिल जाती है और खेत में हम खाद फैला के अच्छी फसल से ले सकते हैं, तो जैविक खेती कर सकते हैं और जो जहरीली खेती है उससे बचाव हो सकता है। आज पर्यावरण दिवस है, इस मौके पर आप लोगों को क्या संदेश देंगे? पर्यावरण दिवस के लिए तो मैं यही कहूँगा कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष बड़ा करो और उसका संरक्षण करो, और जो पुराने पेड़ है उनका भी संरक्षण करो, पुराने वृक्ष है उनका भी संरक्षण करना चाहिए और जल जंगल जमीन जीव जंतु इनका संरक्षण करना चाहिए। ये थे हमारे साथ मुरारदान जी सारण, इन्होंने बताया कि खेजड़ी के वृक्ष में कई फायदे हैं, इससे जैविक खेती होती है, जो जहरीले रसायन हैं उनको दूर किया जा सकता है। वहीं इन्होंने आज कहा कि हर खेत में पेड़ पौधे लगाएं और उनका संरक्षण करें। कैमरामैन ऐसा सुधर के साथ सुखदेव सिंह, राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, साइला, जालोर।